नवागांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित दमाऊ नाले से नहाकर घर लौट रहे 9 वर्षीय बालक को हाइवा ने टक्कर मार दी। हादसे में बालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दूसरे ट्रक को रोककर उसके चालक के साथ मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। घटना सीपत पुलिस थाना क्षेत्र के नवागांव मुख्य रोड पर रविवार की है। साइकिल चला रहा दोस्त छिटक कर दूर जा गिरा, जान बची आर्यन लहरे। पिता मनोज लहरे निवासी नवागांव रविवार को गांव के पास से निकले दमाऊ नाला में नहाने गया था। नहाकर घर लौटते समय जयराम नगर से सीपत की तरफ कोयले से भरे हुए ट्रक के चालक ने लापरवाही व तेजी से चलाते हुए आर्यन को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने डायल 112 को दी। इसके बाद सीपत पुलिस थाने को जानकारी मिली। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक को लेकर भाग निकला। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य रोड से निकल रहे दूसरे ट्रक को रोककर उसके चालक की पिटाई और गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हादसे के बाद पहुंचे तहसीलदार ने परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी वह जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी। गांव से कुछ दूरी पर स्थित दमाऊ नाला में नहाने के लिए आर्यन अपने दोस्त प्रीतम के साथ साइकिल से गया था। साइकिल आर्यन के पिता मनोज की थी, जो कुछ समय पहले ही ड्यूटी करके वापस घर आए थे। प्रीतम व आर्यन नहाकर घर वापस आ रहे थे। साइकिल प्रीतम चला रहा था जबकि आर्यन पीछे बैठा था। ट्रक की टक्कर से आर्यन छिटक कर पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसका सिर कुचल गया, जबकि प्रीतम छिटक कर दूर जा गिरा। ज्यादा फेरे लगाने के लिए तेज भगाते हैं हाइवा। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से भाग निकला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और चला गया। पुलिस को सड़क किनारे खड़े ट्रक की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने दी। कोयला भरकर ले जाने वाले हाइवा चालक ज्यादा फेरे के चक्कर में गाड़ी तेज गति से चलाते हैं, क्योंकि जितने चक्कर लगाएंगे पैसा भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास कोलवासी होने के चलते आए दिन ऐसे हादसे होते हैं।